हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। रावण के पुत्र मेघनाथ को प्रभु श्री राम भी नहीं मार सके थे, उसका वध लक्ष्मण ने किया था। आज हम जानेंगे कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध क्यों कर सकते थे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे किस प्रकार रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया तथा लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम निस्संदेह रावण एवं कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, किंतु सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मदेव ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसीलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ, किंतु अपने अनुज की वीरता की प्रशंसा से वे प्रसन्न थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से अधिक कठिन था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण था, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक न सोया हो, ऐसा किस प्रकार संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बातें समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग केवल श्री राम का गुणगान करते थे, परंतु प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो, प्रत्येक घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण आए। प्रभु श्री राम ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए भी नहीं, ये कैसे हुआ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं सोने के विषय में सुनिए, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आँखों पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया भैया। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वो 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श भी नहीं करेगी, किंतु जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की भांति छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको स्मरण होगा भैया, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था,
अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा भैया, फिर बिना आपकी आज्ञा मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे हुए होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण ने 7 दिन के फल कम होने के विषय में बताया। लक्ष्मण ने कहा, उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी फल नहीं आए। जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पाश में बंध कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे भैया, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसी विद्या के प्रयोग से मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के विषय में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। ओम लक्ष्मण देवताभ्यो नमः। जय सियाराम, जय हनुमान।